शादी करने की इच्छा जता रहे इस शख्स का नाम सिघरई सामंत है। सिघरई प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत से इन्हें मानो नया जीवन मिल गया है। करीब 20 साल से इनके चेहरे पर 3 किलो का ट्यूमर था जिसने इनके चेहरे को बिगाड़ दिया था। कहते हैं मरीज के लिए डॉक्टर भगवान होता है। अचानक डॉक्टर सुनीता सोरेन सिघरई के लिए भगवान बनकर आईं। उन्होंने अपने प्रयासों से आयुष्मान भारत के तहत सिघरई का इलाज शुरू कराया। इसके कुछ दिनों बाद ही ऑपरेशन करके सिघरई के ट्यूमर को हटा दिया गया। सिघरई ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मुझसे मिले और हालचाल भी पूछा था। साथ ही इलाज के लिए उसने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। फोन आया था, हमको पूछ रहा था आप कैसा है, हम बोल रहे हैं बहुत अच्छी है। तो फोन आया तो आप कितना खुश हैं? हम तो अभी बहुत खुश है, वो भी बहुत खुश है और वो भी उनके लिए वो भी खुश है। प्रधानमंत्री को हम यही बात ने हमको धन्यवाद उसको मांगते हैं। सिघरई सामंत जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर घाटशिला दीघा गांव के पास रहने वाले हैं। इस गांव के अधिकतर निवासी आदिवासी हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गांव पहाड़ों की तराई पर बसा है। ऑपरेशन के बाद सिघरई अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। सिघरई ने कहा कि अब शादी करके वो अपना घर बसाना चाहते हैं। अभी क्या इच्छा है, अभी अच्छा हो गया, हम तो सोच रहे हैं अभी शादी करेंगे, घर द्वार भी बनाएंगे, आगे कुछ हमको भी अपना लड़की देखा है? लड़की हम नहीं देखा है, देखेंगे। शादी करेगी? शादी करनी पड़ेगी। डॉक्टर सुनीता सोरेन को आदिवासी इलाके की गॉड मदर से अब जाना जाने लगा है। ये गरीबी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पाने में असमर्थ लोगों का इलाज करती हैं। ये गांव-गांव जाकर हेल्थ कैंप लगाकर लोगों का इलाज करती हैं। उन्होंने बताया कि मैंने सिघरई के ट्यूमर के बारे में अखबार में पढ़ा था, जिसके बाद वो सिघरई से मिली और उनका इलाज शुरू कराया। आयुष्मान भारत के तहत किया गया ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन है। का नाम है सिघरई सामंत। मैं हर मंथ में घाटशिला और उसके आसपास के सुदूर गांवों में मैं हेल्थ कैंप लगाती हूँ। इसी के तहत मैं घूमते भी रहती हूँ। तो फिर इनका पिछले साल अक्टूबर में पेपर में आया था एक छोटा सा, एक कि एक कोई बंदा है जो कि पिछले 20 सालों से उसका बहुत बड़ा सा ट्यूमर है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है गरीबी के कारण। तो ये जब देखा हम लोगों ने, मैं और मेरे टीम के लोगों ने, सब हम लोग आए यहाँ पे और यहाँ पे आकर के इनसे मिले और इनसे देखा तो सही में ये काफी बड़ा ट्यूमर था। कितना बड़ा ट्यूमर था, कितने केजी का था ये? जब ऑपरेट हुआ तो इसके बाद इसका वजन किया गया था, ये तो 3 केजी का था। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट आयुष्मान के थ्रू किया हुआ ये ट्यूमर है। तो फिर उस समय मैंने कोऑर्डिनेट किया था और फिर वो लोग आकर के ले गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलाने के लिए। आने के बाद इसने क्या बताया, सिघरई ने आपसे क्या कहा? आप तो इसके लिए गॉड मदर हुई, कोई इलाज नहीं करा रहा था, अब सिघरई ने आपसे आके प्रधानमंत्री से मिलने के बाद क्या कहा? वो बहुत ही खुश था और उसके लिए तो जैसे बोलते हैं सपनों का सच होना, कि कोई भी एक आम आदमी जो गांव का आदमी है जो सोच भी नहीं सकता है नॉर्मल, ये आप तो देखे ही हैं कि वो एक बात करने से भी किसी से कतराता है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी से मिलना। सुनीता सोरेन ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना सुदूर ग्रामीण इलाकों में काफी कारगर साबित हो रही है। अगर आयुष्मान भारत की योजना में ओपीडी की सुविधा दी जाए तो गरीबों को काफी लाभ होगा। अब बहुत सारे मरीज मेरे पास फोन करते हैं कि मैडम मुझे आयुष्मान से दिखाना है। मुझे उस समय थोड़ा सा दिक्कत होती है बोलने में कि आपको जो कंसल्टेंसी फी है वो आपको देना पड़ेगा, या बहुत इतने गरीब लोग होते हैं कि इनफैक्ट मुझे ही देना पड़ता है क्योंकि 500 रुपया 400 रुपया देना पॉसिबल नहीं, बड़े हॉस्पिटल का जो चार्जेज होता है। तो जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है, इसका जो जो ओपीडी की जो व्यवस्था है उसको भी इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है। गरीब और आदिवासी लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना संजीवनी की तरह काम कर रही है। सिघरई सामंत तो सिर्फ इसका एक उदाहरण है, ऐसे ही कई और लोगों को भी यह योजना जीवन दान दे रही है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा की रिपोर्ट, बिहार तक।